तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है, ठीक है? तो क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप अपनी इंक से, यस, अपनी इंक से बहुत ही अच्छे अच्छे कमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, दो तरीके कमाल आप जो कर सकते हैं, तो क्यों ना करके देख ही लें फटाक से। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, फटाक से करते हैं अपना काम। फिलहाल आप ये एम्बिशन वर्ल्ड का लोगो देख लीजिए। गाइस, हम ले हैं सारा सामान, चलिए मेरे साथ साथ आ जाओ भाई। ये हम आ चुके हैं हमारे जगह पे। तो ये है वो जगह जहाँ हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, और वो जगह है हमारी टेबल, हमारी बेचारी टेबल। ये देखिए इसको ये बेचारी टेबल बहुत धन्य है, क्योंकि इस टेबल पर हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? और इस बेचारी टेबल को हम धन्यवाद तक नहीं कहते यार, इसके लिए थैंक यू टेबल, थैंक यू, ठीक है? फिलहाल इस टेबल को हम थैंक यू बोलते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या करना है, कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फटाक से आपको एक इंक लेना है, इंक को ऐसे खोल देना है और इसकी एक दो बूंदों को, मैं अच्छे से आपको सरफेस दिखाता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएँ, ठीक है? ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर सरफेस है, ठीक है? और इस पर हम गिराते हैं यहाँ पर इंक, ये देखिए, दिख रहा है ये इंक दिख रही है, ठीक है? अब इसको बंद करके रख देते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है? और अब इसको जलाते हैं, ठीक है? देखते रहना आप क्या ये जलेगा, ठीक है? आग लगा के देखें इसमें, 1 2 3 जला दे, ये लो, ओह ये देखो भाई साहब, ये लो देख रहे हो कितना मजेदार है ना? यानी आपकी जो इंक है वो आग पकड़ सकती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स केमिकल, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यानी कि ये फ्लेमेबल होती है, ठीक है? यानी आपकी इंक आग पकड़ सकती है, ठीक है? तो क्या इंक की आपने फायर देख ली, ठीक है? तो एक और तरह की मैं फायर आपको दिखाता हूँ, एक और तरीके की आग दिखाता हूँ जो कि इंक से थोड़ी सी अलग है, ठीक है? अभी बने रहना देखो, ठीक है? तो ये है वो परफ्यूम जो मैंने पहले भी वीडियो में यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और मैं इसकी आग जला के दिखाता हूँ और इस इंक की भी आग जलाता हूँ साथ में, और देखते हैं कि दोनों की आग में क्या फ़र्क है, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर हम स्प्रे कर लेते हैं, अरे आ जा, यहाँ पर हम स्प्रे कर लेते हैं आपके परफ्यूम का, ठीक है? और यहीं साइड में डाल देता हूँ मैं इंक, ये लो, और अब देखते हैं, और अब देखते हैं कि दोनों में से आग किसकी अलग जलती है, ठीक है? ठीक है, तो ये रही माचिस, आर यू रेडी गाइस? ठीक है, 1 2 3 तो पहले लगाता हूँ मैं इसके अंदर और ये इसके अंदर, ये देखो भाई साहब, देखो देख रहे, बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों अलग अलग तरीके की आग है, ठीक है? दोनों अलग अलग आग, देखो ये पीली आग है, ये नीली आग थी, है ना? दोनों आग का कलर इसलिए अलग है क्योंकि नीली आग तब जलती है जब फ्यूल जो होता है हमारा वो प्रॉपर ऑक्सीजन में जल रहा होता है, ठीक है? यानी पूरी तरीके से जल रहा होता है, और हमारी जो पीली आग होती है, अभी पीली जल रही थी ना, वो इसलिए जलती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जल नहीं रही होती है, वो पार्शली कम्बशन होता है, ठीक है? तो गाइस, आपने देखा कि आपकी इंक जो है वो आग पकड़ सकती है, यानी कि वो फ्लेमेबल होती है। तो गाइस, वीडियो हो गई है ख़त्म, और फिर किसी नई वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। करना है आपको, ऐसे खोलना है, पेपर की स्ट्रिप फाड़नी है थोड़ी सी, ठीक है? ऐसे थोड़ी सी स्ट्रिप फाड़नी है पेपर की, ऐसे, और छोटा कर लो तो भी चलेगा, ये देखो इतनी पेपर से, और इसके ऊपर ऐसे इंक लगा देना, देखो इसके कॉर्नर पे, ऐसा इसके कॉर्नर पे ऐसे इंक लगा देना, ओहो हो बहुत फैल गया, ठीक है? ऐसे कॉर्नर पे इंक लगा देना है, ठीक है? और अब इसको रख देना है इसके अंदर। तो गाइस,
रेडी? बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है ना, रुको देखो, 1 2 3 ये रख दिया, ये देखो, ओ ये देखो कैसे भाग गया। देखा देखा देखा, देखो एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखो भाई भाग भाई भाग, अरे खत्म हो गया इसका, खत्म हो गया, ये मर गया।